हेलो गाइस, यार इस वीडियो में हम आप सबको बताने वाले, अगर आप सब कंपेटेटिव स्टोर को भी सिलेक्ट करते हो तो आप सबका डेजर्ट ईगल नहीं आता होगा। ये वीडियो ओनली डेजर्ट ईगल टॉपिक पे होने वाला है, क्योंकि आपको पता है OB37 अपडेट के बाद आपको कस्टम में डेजर्ट ईगल देखने को नहीं मिलता है कंपेटेटिव स्टोर को भी सिलेक्ट करने के बाद। अब गाइस यार आपको क्या सेटिंग करना है इस वीडियो में आपको बिना बकवासी के साथ आपको मिलने वाला है, ठीक है। पहले गाइस मैं यहां पर से कट कर देता हूं, आपको पता है आपका भाई आपके लिए कुछ भी करता है, आप लोग का एक भी कमेंट आता है तो मैं गाइस वीडियो बनाना स्टार्ट कर देता हूं। सीधा गाइस आपको क्लिक करना है कहां पर, आपको कस्टम किस तरह नॉर्मली बनाते हो आपको यहां पर ध्यान देना है, ठीक है। कस्टम पर आप लोग को क्लिक करना है, जब आप सब कस्टम पर क्लिक करोगे आप सबको यहां पर क्रिएट पर क्लिक करना है। ये सब तब भी मैं बता रहा हूं, अगर कोई मेरे चैनल पर नया आ गया तो उसको भी कम से कम समझ में आ पाएगा, ठीक है, आप समझ पा रहे हो। एंड गाइस यहां पर आपको पता है कि आपको यहां पर पासवर्ड डाल देना है, आप यहां पर आपको ओनली नंबर में पासवर्ड डालना है। ओनली नंबर में पासवर्ड डालने के बाद आपको गेम मोड सिलेक्ट कर लेना है। अब गाइस गेम मोड तो आपको पता है क्लास स्क्वाड ही खेलना पड़ता है, ये तो बताने के बारे में बात नहीं है कि यहां पर से आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप मैप को तो यहां पर से यही वाला मैप सिलेक्ट करते हो, ये बताने कोई बात नहीं, यहां पर मैं क्या ही बोलूं, ये तो आप जानते ही हो। एंड आपको सीधा गेम पर आ जाना है, गेम पर आपको यही वाला पहली बार मोड सिलेक्ट कर लेना है, जो गाइस आप लोग सिलेक्ट करते हो कोई भी दिक्कत नहीं है, इसमें आप लोग का डेजर्ट नहीं आता, मेन स्टेज समझो। यहां पर आपको राउंड 13 कर लेना है, ठीक है, बढ़िया से देखो, नहीं तो आपका एम नहीं लगेगा गेम में, आप बोलोगे राउंड ज्यादा नहीं हुआ। अगर आप सब वीडियो को स्किप करोगे फिर मत बोलना पूरे बाद में कि मंडे भाई ने गलत वीडियो बना दिया, ठीक है, जो मैं बोलता हूं क्लियर बोलता हूं। आपको राउंड पहली बार स्टेप आपको ये सिलेक्ट कर लेना है, आप सब यहां पर देख लो। उसके बाद आपको क्वाइन यहां पर 1500 कर लेना है। दो चीज करने के बाद आपको मतलब आप लोग अनलिमिटेड एमओ होना चाहिए, अनलिमिटेड ग्लोबल होना चाहिए, तो कस्टम खेलो होना ही चाहिए, अगर क्लास स्क्वाड में खेलो नहीं तो मजा ही नहीं आता। तो आपको सीधा यहां पर नो कर लेना है। नो करने के बाद आपको एयर ड्रॉप को आप एयर ड्रॉप देखो कस्टम में अगर नहीं आए तो ये बढ़िया, अगर एयर ड्रॉप देखते होगे जब गिरता है तो उसमें शॉटगन मिल जाता है या दूसरा वाला गोली मिल जाता है न्यू वाला, जो शॉटगन जो न्यू गन है जो मतलब पूरी तरह गेम खराब कर देता है, तो एयर ड्रॉप नहीं आना चाहिए कस्टम में मेरे हिसाब से। तो आप लोग चाहो तो यस कर सकते हो, अगर आप लाना चाहते हो मेरे हिसाब से आप नो ही करो तो बेटरीन रहता है, ठीक है। अब आपको कहीं अब सेटिंग को छेड़छाड़ नहीं करना है, दो सेटिंग और बताने वाला हूं जो गाइस आपके लिए काम आएगा, जो अगर आपका सीक्रेट हो, अगर आप कस्टम बना रहे हो आप इसे ऑन करो या ऑफ करो कोई भी दिक्कत नहीं, आपको फायदा देखने को मिलने वाला है। ये दो सेटिंग को आप सब जान लो क्या दो सेटिंग है, ठीक है। दो सेटिंग है गाइस, आपको सबसे नीचे आपको दो चीज देखने को मिलेगा, कैरेक्टर स्किल और यहां पर गन वाला चीज, एक चीज दो चीज देखने को मिल रहा है ना। कैरेक्टर स्किल तो आप सब जान गए कैरेक्टर स्किल से क्या होता है, अगर आप सब कैरेक्टर स्किल यूज करना चाहते हो, स्केलर दीजिए लोग यूज करना चाहते हो गेम में, तो आप सबको यस ही रहने देना है। अगर आप सब कैरेक्टर स्किल को यूज नहीं करना चाहते हो इसे आप सब नो कर सकते हो, आपका भाई गेम में यूज करना चाहता है कैरेक्टर का एबिलिटी तो मैं यस कर दूंगा। एक और मेन सीक्रेट इसका क्या होने वाला है, इसका समझो क्या होता है गाइस, अगर आपके पास गन नहीं है, जैसे मान लेते हैं आगे वाले बंदे के पास कोबरा MP40 है, AK है, ये शॉट गन ईबो है, मतलब खतरनाक खतरनाक गन है, आपके पास कुछ भी नहीं है कस्टम आप बना रहे हो, तो आपको यहां पर नो कर देना है। क्यों कर देना है, क्योंकि आगे वाला का मतलब आपका जो एबिलिटी जो नॉर्मल होगा उसका स्किन तो दिखेगा कोबरा वाला, लेकिन उसका कोई मतलब रेट ऑफ फायर या डैमेज डबल रहेगा या कुछ भी उसका मतलब स्किल होगा जो गन में वे काम नहीं करेगा, नॉर्मल आपका जैसा काम करेगा, मतलब समझ लो गन का जो एबिलिटी होती है वो बंद हो जाता है। इसी वजह से आप लोग चाहो अगर आपके आप कस्टम बना रहे हो, अगर आपके पास स्किन सब नहीं है आप इसे नो जरूर कर देना, अगर आपके पास गन स्किन है तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि आपको यस ही करने से फायदा है। तो गाइस आपके भाई के पास गन तो पूरा तगड़ा है तो आपका भाई यस ही रखने वाला, अगर आपके पास नहीं है तो मैंने सीक्रेट के लिए बताया, ठीक है। उसके अलावा आपको कहीं भी नहीं छेड़ना है, मैंने आपको दो यहां बताया एंड दो आपको यहां बताया, आपको इतना डिटेल से कोई भी नहीं बताया गाइस, एकदम मैं आपको सच बात बता रहा हूं, आप अदर जाकर वीडियो चेक कर सकते हो, ठीक है। आपको लगेगा कि मंडे भाई एकदम पूरा डिटेल के साथ समझा रहे, आपको ओनली चार सेटिंग करना है, मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा आप जो भी सेटिंग छेड़छाड़ करोगे बिना जाने कभी मत करना, अगर आप नॉर्मल कस्टम बना रहे हो, ये चार सेटिंग मैंने आपको बता दिया जो नॉर्मली आप यूज कर सकते हो। एंड गाइस आपको राउंड यहां पर 13 जोर कर देना है और यहां पर क्वाइन जोर बढ़ा देना है। ये सब करने के बाद अब समझो अभी भी आपको कंफर्म नहीं करना है, यहां पर आप सब कंफर्म कर देते हो, बहुत को यहां तक सेटिंग पता होगा और यहां पर कंफर्म कर देते हैं, गेम को स्टार्ट कर देते हैं, जिससे गाइस डेजर्ट ईगल नहीं आता है, आपको ऐसा गलती नहीं करना है। उसके बाद गाइस आपको यहां पर क्लिक नहीं करना है, यहां पर क्लिक करके आपको यहां पर कुछ भी नहीं करना है, यहां पर आपको क्लिक करना है एडवांस सेटिंग में। एडवांस सेटिंग में आपको कुछ सेटिंग करना है जिससे गाइस आपका डेजर्ट ईगल आ जाएगा। क्या सेटिंग करना है इसके बारे में समझो। एडवांस सेटिंग में आने के
के बाद मैंने ऊपर बता दिया जो नॉर्मली करते हो, करने के बाद एडवांस सेटिंग में आने के बाद आपको एडवांस सेटिंग यहां पर से ऑन कर देना है। एडवांस सेटिंग यहां पर आपको ऑन कर देना है। एडवांस सेटिंग पर आने के बाद तुरंत आपको यहां पर ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपको पहले यहां पर इकोनॉमी पर क्लिक करना है। यहां पर आपको राउंड सबसे पहले 13 कर देना है। अगर आप इसे नहीं करोगे तो आपका गेम में ओनली 4 ही राउंड आएगा, 7 राउंड नहीं आएगा। इसे बस आपको यहां पर राउंड 13 कर देना है, तब गाइस लंबा राउंड तक खेल पाओगे कस्टम में। आप सब ये मेन स्टेप समझ लो। एंड यहां पर आप यहां पर क्वाइन बढ़ा सकते हो, मतलब अपने मन से चाहो फर्स्ट राउंड में मुझे कितना क्वाइन मिलेगा, यहां पर क्वाइन भी बढ़ा देना। नहीं तो गाइस क्वाइन आपका बहुत कम आएगा, ठीक है। यहां पर से क्वाइन बढ़ा देना अगर आप बढ़ाना चाहते हो। यहां पर विनिंग भी स्ट्राइक यहां पर बढ़ा सकते हो, जिससे आपको क्वाइन ज्यादा मिलेगा, आप सब बढ़िया गन ले पाओगे, ठीक है। चलो यहां पर से मैंने क्वाइन भी बढ़ा दिया। एंड यहां पर आपको स्टोर पर क्लिक करना है। अब आप सबको स्टोर पर क्लिक करना है। स्टोर पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देख पा रहे हो क्या, यहां पर मतलब यहां पर आपको गन को सिलेक्ट कर लेना है। अब आपका मन है आप कौन सा गन को लेकर खेलना चाहते हो। जैसे देख पा रहे हो मुझे M500 जरूरत है कस्टम में, तो मैं M500 पर टीक लगा लेता हूं। मैं USP2 को भी चलो रहने देता हूं, GB को मैं नहीं रहने देता हूं, ठीक है। डेजर्ट ईगल को रहने देता हूं, ये सब फेमस को हटा देता हूं, AN94 रहने देता हूं, ठीक है। डेजर्ट ईगल को देख पा रहे हो यहां पर मैंने टीक लगा दिया। आप यहां पर से पैसा भी मतलब कम कर सकते हो, क्वाइन भी कम कर सकते हो। यहां पर देख पा रहे हो मेन सेटिंग, यहां पर से क्वाइन भी कम कर देना है। क्वाइन करने के बाद आप चाहते हो कि इस गेम में ग्रेनेड नहीं आए, क्या चाहते हो, ग्रेनेड आ ही नहीं। आप यहां पर से जो भी गन को लेना चाहते हो यहां पर से टीक लगाओ, एंड जो गेम को नहीं मतलब जो गन को नहीं लेना चाहते हो वहां पर से आप टीक हटा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने वहां पर ओनली डेजर्ट ईगल को चेंज कर दिया एंड कुछ गन को हटा दिया। एंड आपको मैं एक चीज और दिखाता हूं, यहां पर MP40 भी लेना चाहता हूं, बस MP40 का बस पैसा मतलब कम कर देता हूं। एंड मेन गाइस मैं ग्लोबल को तो टीक लगा दिया हूं। अब आप यहां पर से ग्रेनेड मार लेते हैं, आगे वाले बंदे मतलब बताने के बाद भी कोई कोई बंदे यूज कर लेते हैं, सीधा आपको यहां पर से ग्रेनेड को ही आउट कर देना है। यहां पर जितना भी देख पा रहे हो ग्रेनेड को आप लोग को आउट कर देना है। आउट करने के बाद आपको यहां पर से सेटिंग कर लेना है। ये जब आप यहां पर आओगे तो आपको A to Z गन देखने को मिल जाएगा, ग्रेनेड देखने को मिल जाएगा। वहां पर से टीक लगा देना जिसको लेना है, जिसको नहीं लेना है वहां पर से टीक हटा देना। एंड यहां पर से ऐसे से आप क्वाइन भी कम कर सकते हो, मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद आपको यहां पर से कंफर्म कर देना है। मान लेते हैं आपने कुछ भूल गया, ठीक है, यहां पर एक और सेटिंग समझो। मान लेते हैं आपने कस्टम में कुछ भूल गया कि मतलब आपने पासवर्ड लगाना भूल गया, कुछ सेटिंग करना भूल गया। जैसे आप यहां पर क्लिक करके चेक कर लेते हो कि कभी कभी बंदे लोग बोलते हैं कि आप मतलब अनलिमिटेड एमओ करना भूल गए, होता है ना। तो गाइस आपको सीधा वहां पर क्या करना है, ये सेटिंग पर आप सबको क्लिक करना है। जब आप सब यहां पर सेटिंग पर क्लिक करोगे, यहां पर से आप फिर से चेंज कर सकते हो, पासवर्ड चेंज कर सकते हो, गेम पे चेंज कर सकते हो। एडवांस सेटिंग में आप कोई भी गन फिर से लगा सकते हो। लगाने के बाद फिर आपको यहां पर से कंफर्म कर देना है। मैंने आपको डिटेल के साथ बता दिया। उसके बाद गाइस आपको इनिमी को बुला लेना है, आपका जो भी फ्रेंड है, ठीक है। चलो गाइस मैं एक फ्रेंड को बुला लेता हूं, आपका जो भी फ्रेंड है उसको बुला लेना है। जैसे गाइस आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, मैं चलो एक और फ्रेंड को बुला लेता हूं। यहां पर देख पा रहे हो मैंने एक फ्रेंड को बुला लिया। आपको कोई भी फ्रेंड को बुला लेना है, जिस तरह आप यहां देख पा रहे हो। एंड मैंने तो किसी को बुला नहीं हो, एंड आपके लिए भाई तो एक कस्टम क्या 10 कस्टम भी बर्बाद कर सकता है। देख सकते हो एक बंदे आ चुके हैं। एंड अगर इस साइड आएंगे तो मैं स्टार्ट कर दूंगा। जैसे यहां पर देख पा रहे हो एक और इस साइड आना है। एंड यहां पर देख पा रहे हो यहां पर गाइस सब एक ही तरफ आ गए, दो इस तरफ आएंगे तब ना, इसको पता नहीं है ना। चलो यहां पर एक और बंदा आएंगे तो आपको मैं टेस्ट करके समझाता हूं, ठीक है। ये सब पता नहीं क्या कर रहे गाइस। चलो मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं। एंड यहां पर से मैं गेम को स्टार्ट कर देता हूं। जैसे मैंने गेम को स्टार्ट कर दिया, कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ, मैंने गेम को स्टार्ट कर दिया ओनली आपको समझाने के लिए, ठीक है। यहां पर कोई भी नहीं आपके लिए भाई, एक कस्टम क्या 10 कस्टम ही बर्बाद कर सकता है, आपको दिखाने के लिए, ठीक है। एंड गाइस यार यहां पर देखो, मैं यहां पर गेम आ गया। यहां पर देखो आपको डेजर्ट ईगल भी देखने को मिल रहा है। मैंने कितना सिलेक्ट किया था उतना मुझे क्वाइन में मिल गया फर्स्ट राउंड में। और आप यहां पर से देखो ग्लोबल भी ले सकते हो, यहां पर से ग्रेनेड भी हट गया, कितना बढ़िया कस्टम हो गया। वेस्ट भी ले सकते हो। एंड आप यहां पर से आप आराम से पेल सकते हो बंदे को, अनलिमिटेड है। अभी गाइस आपका भाई यहां पर टेस्ट करके भी बताएगा। यहां पर देखो अगर मैं यहां पर क्लिक करता हूं, यहां पर देखो अनलिमिटेड, देखो गाइस ग्लोबल हो गया ना। देखो गाइस यहां पर अनलिमिटेड ग्लोबल है और यहां पर देखो अनलिमिटेड एमओ भी है। आप सब देख लिए। इस वीडियो में गाइस मैं अब ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूं। आई होप कि गाइस यार आप सबको ये वीडियो अच्छा लग गया। आपका भाई का पिन थोड़ा सा हाई चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा इस चैनल को लाइक करके एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस पर आपको इवेंट रिलेटेड, टिप्स एंड ट्रिक रिलेटेड, A to Z फ्री फायर रिलेटेड वीडियो दिखेगा, जो आपको इन्फॉर्मेशन पूरा रियल दिखेगा एकदम डिटेल के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो आप अनलाइक करके भी जा सकते हो। अगर आपको जो भी डाउट होता है गेम रिलेटेड या इसके रिलेटेड, कॉमेंट जरूर कर देना, जिससे आपको 100% रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। चलो गाइस मैं तो इसी तरह के मजेदार वीडियो में, टाइट टाइट, बाय बाय।